नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त, आपका साथी एडवोकेट अचिन उपाध्याय फ्रॉम आगरा सिटी एंड प्रेजेंटिंग हियर टू डिस्कस अबाउट द एविडेंस एक्ट। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए भी। मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ जिससे दोनों ही भाषा के लोग ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। If I want to get advice and I want to give you advice to you all students, they are just coming from the Hindi stream, don't think about कि आपको English नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है, तो आप English word को पकड़ने का प्रयास करें, because आपका जो mains में English का paper होगा वो एक translation वाला होगा, वो आपको बहुत मदद देगा और आपकी जो प्रेसी राइटिंग होगी उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। इट मीन्स आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, आपको आने ही चाहिए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ट्रांसलेशन में आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको हिंदी के कुछ टर्मोलॉजी, कुछ वर्ड्स को आना ही चाहिए। तो इट मीन्स दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बोथ पर्सन्स कमिंग फ्रॉम द बोथ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आप में आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज एविडेंस एक्ट का है, सेक्शन थ्री इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और ये बताता है आपके निर्वचन खंड जिसे कहते हैं हिंदी में, और वो सेक्शन थ्री में काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इस सेक्शन को आपने नहीं पढ़ा तो आप एविडेंस को एक्ट को ना पढ़िए। अगर आप इस सेक्शन को छोड़ते हैं मतलब आप बहुत बड़ा पार्ट एविडेंस एक्ट का छोड़ रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में निर्वचन खंड में जो सबसे पहले आता है वो कोर्ट है। ये 10 टाइप्स के हैं इन चीज़ों को, और 10 के 10 को बहुत अच्छे से समझना है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इन चीज़ों को। कोर्ट, फैक्ट क्या होता है इसमें उसको बताया जाएगा, और रिलेवेंट चीज़ें हैं, रिलेवेंसी क्या होती है उस चीज़ को यहाँ बताया जाएगा, और फैक्ट एंड इशू जो विवादक तथ्य है, मतलब किस पर विवाद बना। एक जज बनने के लिए वहाँ मेंस में आपको इश्यूज तैयार करने पड़ते हैं, वहाँ आपका एक पेपर होता है जिसमें आपको जजमेंट राइटिंग करनी पड़ेगी और इश्यूज तैयार करने पड़ेंगे, थोड़ा टफ काम होता है। तो आपको फैक्ट इशू ही नहीं मालूम तो आप जजमेंट लिखेंगे कैसे और इश्यूज बनाएंगे कैसे। तो इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आप जानते हैं हर कोर्ट में दिए जाते हैं, हर सरकारी निकाय में दिए जाते हैं, कौन से होते हैं। एविडेंस, जैसा कि साक्ष्य विधि हमारी चल भी रही है, एविडेंस क्या होता है इस पर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ और बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आने वाली है। आप बिल्कुल तैयारी एकदम कमर कस लें अच्छी तरह से। और प्रूफ्ड क्या होता है एविडेंस, मैंने आपको बता दिया कि एविडेंस जो भी कोर्ट में, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। आप डिटेल में जाने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को, अगर मैं इस वीडियो में डिटेल में जाऊँगा सारे पॉइंट्स को तो लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी और वो आप देख नहीं पाएंगे और लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। प्रूफ्ड, जो चीज़ प्रूफ्ड है, जिसको हम एग्जिस्ट कर लेते हैं वो प्रूफ्ड है, कोर्ट मान लेता है, और डिसप्रूफ्ड जिसको वो नहीं मानता है कि वो डिसप्रूफ्ड है, जो साबित नहीं हुई है, मतलब जो साबित हो गई है और जो साबित नहीं हुई है, डिसप्रूफ्ड। और नॉट प्रूफ्ड, ना तो साबित हुई है और ना साबित हुई है, उसे बोल देते हैं नॉट प्रूफ्ड। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी आता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी जिसे कहते हैं हिंदी में निश्चायक सबूत, मतलब वो एक ऐसा सबूत होता है जिसको वहाँ पर कोर्ट को मानना ही होता है, एक तरह से निश्चायक सबूत
केस में बहुत बल दे देता है और बहुत सत्यता को पहुंचाने के लिए, सत्यता को लाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंक्लूसिव प्रूफ। इसको समझाएंगे कहाँ कहाँ कौन से सेक्शन से और किन चीज़ों में कंक्लूसिव प्रूफ होता है। निश्चय मतलब निश्चय करता है, एकदम वो निश्चायक ही होता है, निर्णायक होता है वो, उसे कहते हैं हम कंक्लूसिव प्रूफ। और इंडिया देश के बारे में मैं इसलिए बताऊंगा, तो जब से आर्टिकल 370 हटा है तो इसमें एक चेंजेस आया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे 10 पॉइंट्स के अलावा मैंने एक दूसरे बढ़ा दिया, 11 पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। इसमें से आपको फैक्ट को रेलिवेंट और फैक्टर इशू, एविडेंस और कंक्लूसिव प्रूफ, ये तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझने हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं क्या चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले वाले पॉइंट कोर्ट पर आते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कोर्ट बताऊंगा और इंडिया के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं इंडिया के बारे में नहीं बताता, लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया के बारे में बताना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है जब से आर्टिकल 370 हटा है। तो पहले चलते हैं हम कोर्ट के बारे में। कोर्ट किसे कहते हैं? एविडेंस के अकॉर्डिंग ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्संस लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस, ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्संस लीगली अथॉराइज्ड, इनको लीगली कानूनन जिनको आधिपत्य दे दिया गया है, अधिकार दे दिया गया है, टेक एविडेंस, एविडेंस लेने का मतलब साक्ष्य को लेने का, ऐसे पर्संस को अधिकार दे दिया गया है, वो तीनों कैटेगरी के जो चीज़ें होंगी वो क्या आ जाएंगी? कोर्ट कहलाएंगी। इसमें जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। लेकिन इसमें एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट नहीं माना गया है, क्योंकि आर्बिट्रेटर्स जो डिसीजन देते हैं, जो निर्णय करते हैं, वो नेचुरल जस्टिस पर होता है, प्राकृतिक न्याय के अधीन होता है, इसलिए उनको कोर्ट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट रहता है इंडिया, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें आ जाएगा पूरी टेरिटरी, इंडिया का पूरा जो क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी तक जो लाइन लिखी रहती थी यहाँ पर एक्सक्लूडिंग, अब मैंने लिख दिया है यहाँ पर इंक्लूडिंग। तो 370 आर्टिकल हटने से अब ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो इंडिया के क्षेत्र में पूरा भारत है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है। आंसर में आपको यही लिखना होगा अगर आंसर आता है तो। ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ज़रूरी थी। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी है? अगर सही लगी है और आगे आप वीडियो आप कैसी चाहते हैं, हम निरंतर चलते रहेंगे और आगे इस तरह से प्रयास हम जुटे हुए हैं करने में। और हमारी वीडियो को लगातार आप देखते रहिए और कमेंट करिए प्लीज़। इस चीज़ में मुझे जल्दी से जल्दी अपनी एडवाइस चाहिए कि मैं इसमें बेहतर और क्या करूँ, आपको कैसे पढ़ाऊँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। और मेरा प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें इस चीज़ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।